नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाय स्कोप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि रुझान अब परिणाम में तब्दील होने लगे हैं। इसी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता रंगोली बनाकर और एक जो खुशी जाहिर किया जा रहा है कि देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो यहाँ नेता है, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावड़ी और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू सब यहाँ पहुँच के जो कार्यकर्ताओं का मनोबल उत्साह बढ़ा रहे हैं और एक दूसरे को जीत की जो बधाई दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत बधाई। ये बताइए कि 4 लाख का अंतर, दावा किया गया था 4 लाख का अंतर होगा, पर क्या कारण है कि? देखिए, जनता का जनादेश है और जनता का जनादेश हमेशा सम्मान करने लायक है और हमेशा सारी माथे पे रहता है। जनता ने जनादेश दिया है और जनता ने इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंडेट दिया है। हम एनडीए अलायंस नहीं है कि अपने कमजोरी या अपने कमी को देख करके कहें कि ईवीएम हैक हो गया, इलेक्शन कमीशन सेट हो गया, तो ये हो गया वो हो गया। जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए जनता ने जिस रूप में 5 साल के लिए नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी को दिया है, उसको हम लोग तहे दिल से स्वीकार करते हैं और जनता के आनंद, जनता के मैंडेट में अपने आनंद को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो है अगले 5 साल पूर्ण भरोसे के साथ जनता को कहना चाहती है कि हम 5 साल लगातार उसी मेहनत से, उसी तन्मयता से, उसी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। झारखंड में आदिवासी बहुल जो सीटें हैं उस पे बीजेपी को खासा डैमेज है, क्या लगता है कि हेमंत सोरेन के चलिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ पे मैंडेट है, वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ पे मैंडेट है। अगर नहीं होता तो इस झारखंड में सिर्फ और सिर्फ खाली 19 सीटों में वो क्यों जीतते? ये मुहर है झारखंड सहित पूरे देश में कि वंशवाद, परिवारवाद, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं चलेगी। आज इस बार उन लोगों ने पूरा षड्यंत्र और पूरा जो है एंटी एक एस्टेब्लिशमेंट सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करने का, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे कई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के स्तर से अंदर खाने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन बावजूद इसके भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से वो रोक नहीं पाई। यही समझ लीजिए देश की जनता जो है वो देश की जनता मोदी जी के साथ है, देश के साथ है, देश के विकास के साथ है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण के विरोध में ये वोट है और हम सब लोग इसको। अरे भैया, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है हमारी, और जो लोगों से पूछिए कि वो सरकार कब बनाएंगे, फिर से मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार देश के अंदर। एनडीए ने काफी कम बढ़ोतरी की है, बहुत ही कम मार्जिन से बढ़ोतरी की है, क्या कारण? आप देखिए, ये दो ध्रुव की लड़ाई थी। एक तरफ सारा देश का वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण करने वाले जितने भी दल थे वो गठबंधन में थे। दूसरी तरफ विकास और 1 अरब 40 करोड़ जनता के सामर्थ्य को लेकर के देश दुनिया में भारत को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ने वाले नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। उनका दिन है, देश के जनता ने पिछड़ा के बेटा, गरीब के बेटा नरेंद्र भाई मोदी को तीसरा बार सर आंखों पर बैठाया है, उनको मैंडेट दिया है और मैं समझता हूँ यह जीत जो है गरीबों का जीत, पिछड़ों का जीत है, दलितों का जीत है, शोषितों, वंचितों का जीत है, किसानों का जीत है। इतना बड़ा षड्यंत्र के बाद भी, इतना बड़ा षड्यंत्र के बाद भी नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए ने जो बहुमत प्राप्त किया है, इसके लिए हम करोड़ों कार्यकर्ता और क्षेत्र के जनता को आभार प्रकट करते हैं। और जो भी अधूरे काम है, अधूरे सपने हैं देश के, नरेंद्र भाई मोदी जी के अगुवाई में वो हम लोग पूरा करने का काम करेंगे आने वाला 5 साल के दरमियान। कांग्रेस को बधाई दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर आया ग्राफ। नहीं, कांग्रेस मरते मरते बचा है, ऑक्सीजन मिला है उसको, तो हम चाहेंगे, वेंटिलेटर से वो बाहर आए हैं, तो इसके लिए मेरी शुभकामना है भविष्य में और अच्छे हों, दुरुस्त हों, एक मजबूत विपक्ष हम लोगों को मिले। देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पंडित नेहरू का जो 3 बार का लगातार प्रधानमंत्री बनने का जो एक रिकॉर्ड था, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको तोड़ने का काम किया और गरीबों, पिछड़ों, दलितों की आवाज़ बनने का काम किया। आज
हम लोग कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जश्न का माहौल है। आज तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बन रही है, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। देखिए, विपक्ष जितना वोट लाए, जितना सीट लाए है, उतना पूरा गठबंधन मिला के उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का सीट आया है, इसीलिए उत्साह मनाना है। जहाँ पर वो निचले पायदान पर सड़ गए थे, थोड़ा ऊपर जरूर आए हैं, लेकिन उत्साह का माहौल, उत्साहित होने की जरूरत नहीं। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार।